नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। शाम के 6:30 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है नए भारत के 2020 का। कोरोना को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग बचाव के तरीके बता रहे हैं, सावधानी कैसे बरतनी है ये भी बताया जा रहा है। आज 2020 में आपको कोरोना वायरस को लेकर हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में क्या कुछ चल रहा है ये दिखाएंगे। शुरुआत आगरा से करते हैं क्योंकि आगरा में जो हुआ है वो सभी लोगों के लिए एक सबक है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आगरा से आए हैं। आगरा में सोमवार दोपहर तक 8 पॉजिटिव मरीज भर्ती थे। इन 8 मामलों में से एक महिला ऐसी भी है जिसने कोरोना से डरकर छिपने की कोशिश की। बेटी की नई शादी हुई थी और वो हनीमून से लौटी थी, इसीलिए परिवार ने भी उसका साथ दिया। अब मामले का खुलासा होने के बाद महिला समेत पूरे परिवार पर केस दर्ज कर लिया गया है। महिला पति के साथ इटली से लौटी थी। बेंगलुरु में जांच के दौरान पति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद वो पति को छोड़कर आगरा आ गई थी। जब पति की जांच कराई गई तो उसमें भी कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई। कोरोना को लेकर तरह तरह की कहानियां और तस्वीरें दुनिया भर से आ रही हैं। इंसान पर जब भी मुसीबत आती है तो भगवान की शरण में जाता है, लेकिन अब मंदिरों में भी माहौल बदल गया है। कोरोना वायरस न जाने दुनिया को कैसे कैसे दिन दिखाने वाली है। भगवान के मंदिर पर लोग अब तक हाथों में चंद्रामृत लेते थे, प्रसाद लेते थे, सिर ढककर जाते थे, लेकिन कोरोना की वजह से अब मंदिर में घुसने से पहले लोगों के हाथों में सैनिटाइजर दिया जा रहा है। सिर ढकने की बजाय लोग मुंह को मास्क से ढक रहे हैं। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत दग्धू श्रेष्ठ हलवाई गणपति मंदिर में अब भक्तों को एंट्री से पहले हाथों पर सैनिटाइजर दिया जा रहा है। बप्पा के पुजारियों को भी मास्क पहना दिया गया है। पूरे मंदिर की सफाई पर खास ध्यान दिया जा रहा है। बाढ़ या किसी आपदा के लिए सरकारें कंट्रोल रूम बनाती हैं, लेकिन कोरोना की वजह से अब यूपी में बीमारी से लड़ने के लिए कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री इस कंट्रोल रूम से पूरे राज्य पर नजर रखेंगे। कोरोना वायरस से निपटने के लिए यूपी में कंट्रोल रूम बनाया गया है। लखनऊ के इस कंट्रोल रूम से यूपी में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए दिन रात काम हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कंट्रोल रूम का दौरा किया। कंट्रोल रूम के जरिए ही सीएम योगी को कोरोना के मामलों पर अपडेट किया जाएगा। यूपी में कोरोना को लेकर तैयार हो रही रणनीतियों को यहीं से कामयाब बनाया जाएगा। आज पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। कोरोना की महामारी को मात देने के लिए पूरा भारत एकजुट है। इंसान के घर से लेकर भगवान के दरबार तक कोरोना से बचने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। गणपति के सबसे बड़े दरबार मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर को भी बंद कर दिया गया है। कोरोना का डर अब मुंबई में बप्पा के दरबार पर भी है। सिद्धि विनायक मंदिर को अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया गया है। सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया। सरकार की तरफ से मंदिरों को बंद रखने की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद से यह फैसला लिया गया है। मंदिर प्रशासन ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए कई कदम उठाए हैं। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में सुरक्षा कर्मी और सफाई कर्मियों को मास्क लगाकर काम करने की हिदायत दी गई है। जब तक अगली सूचना प्राप्त न हो तब तक मंदिर भाविकों के दर्शन के लिए बंद रहेगा। कोरोना से जंग में दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में एक साथ 50 लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये फैसला शाहीन बाग पर भी लागू होगा। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए दिल्ली अलर्ट मोड पर है। एहतियातन रोज नए कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में अब 50 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश शाहीन बाग पर भी लागू होगा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि किसी भी प्रोटेस्ट को मंजूरी नहीं मिलेगी। आज ये निर्णय लिया गया कि जिम, नाइट क्लब्स, स्पाज इनको भी 31 मार्च तक बंद करने के ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, और दूसरी जो भी गैदरिंग्स हैं, अदर गैदरिंग्स, 50 से ज़्यादा गैदरिंग्स, चाहे रिलीजियस, सोशल, फैमिली, पॉलिटिकल, कल्चरल, ऐसे कोई भी गैदरिंग अलाउ नहीं की जाएगी 50 से ज़्यादा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को लेकर अफवाहें ना फैलाने के साथ दहशत में ना आने की अपील की है। साथ ही दिल्ली में जिम, नाइट क्लब और स्पा सेंटर को भी 31 मार्च तक बंद किया गया है। शादियों को कोरोना वायरस के संबंध में जारी पाबंदियों से बाहर रखा गया है, लेकिन तारीखों को आगे बढ़ाने पर विचार करने का सुझाव दिया गया है।
कोरोना के संक्रमण की खबरों के बाद शिरडी साई मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या कम हो गई है। आज दोपहर तक शिरडी साई बाबा मंदिर में दर्शन के लिए सिर्फ 11,000 भक्त पहुंचे थे। शिरडी साई मंदिर में वीकेंड पर 60,000 से भी ज्यादा भक्त आते हैं, लेकिन शनिवार और रविवार के दिन भक्तों की संख्या आधी रह गई। वहीं सोमवार को उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया। यहां बाबा महाकाल की प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में 31 मार्च तक आम लोग और वीआईपी श्रद्धालुओं के प्रवेश को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा गर्भगृह के सामान्य दर्शन भी बंद कर दिए गए हैं। आरती में केवल पुजारीगण ही मौजूद रहे। महाराष्ट्र के पंढरपुर के विठल रुक्मणी मंदिर का प्रसादालय बंद कर दिया गया है। मंगलवार से यहां फूड पैकेट्स बांटे जाएंगे। इस प्रसादालय में प्रतिदिन 1,500 भक्त आते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर यह फैसला लिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर डाउनलोड इट नाउ।